नमस्कार, केयर होम विद टीना में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कुछ अलग है क्योंकि मैंने आज अपने छोटी छोटी सी लेस के टुकड़ों से जो है वो किस तरह से मैंने अलग अलग आइटम बनाई है और इसे सजाया है, और आप भी इस तरह से सजा सकते हैं अपने खाली छोटे छोटे टुकड़े जो अक्सर हम कपड़े सिलने के बाद बच जाते हैं, उसका हम क्या करें। तो हम इससे बहुत अच्छे अच्छे आज मैं आपसे कुछ काम की चीजें बना के बताने वाली हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये आइडिया। पहले आइडिया में मैंने जो वॉशिंग लिक्विड आता है उसकी बोतल को लिया है और इसको ये नीचे से मैंने इतना काट लिया। ये आप गरम चप्पू से इसे आसानी से काट सकते हैं, और काटने के बाद ये कुछ इस तरह से है। अब मैंने इसके ऊपर जो स्टिकर लगाया है उसे नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर लेस लगाना है, इसलिए मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ। अब ये लेस जो है मैंने अपने पुराने ड्रेस में से ही निकाली है, तो आपके पास भी इस तरह की बहुत सारी लेसें होती है तो आप इसका उपयोग इधर कर सकते हैं। नीचे की जो लेस है वो तो मैंने अपने ड्रेस में से निकाली है, तो देखिए ये किस तरह से हमने इसको लगा के एक बहुत अच्छा सा और ट्रेडिशनल लुक वाला एक छोटा सा बॉक्स हमने तैयार कर लिया। कैसा लग रहा है ये आइडिया? देखने में बहुत ही सुंदर है, यूनिक है, और साथ में इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं, जो मैं आपको आखिर में बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या स्टोर किया है। और इस तरह से आप इसे ग्लू गन से भी लगा सकते हैं, फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, और इसे आप बहुत ही सुंदर इससे देखिए कैसा हमने ये तैयार कर लिया है, एक सुंदर सा ट्रेडिशनल बॉक्स। दूसरे बॉक्स में मैंने ये सार्टिन की लेस ली है और बीच में दूसरी लेस ली, ये भी छोटे छोटे टुकड़े ही थे, इसका ही उपयोग किया है, और यही इस तरह से मैंने इस बॉक्स को तैयार किया है। और इसके बाद तीसरा बॉक्स है, इसमें मेरे पास इस तरह की कुछ लटकन वाली लेस थी, लेकिन ये लेस को बिल्कुल अलग से अकेला लगाएंगे तो नीचे से हमारा ये जो बॉक्स है वो दिखेगा, उसमें लगा हुआ स्टिकर और सब दिखेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दिया है बहुत अच्छा साटिन का, और उसके ऊपर फिर मैंने जो है इस लेस को लगाया है। अब इसके बाद दूसरा आइडिया जो है मेरा, वो मैंने बनाया है टी लाइट होल्डर। अब अक्सर हमारे पास कांच के ग्लास होते हैं और ये छोटी सी बिल्कुल ही लेस का टुकड़ा था तो मैंने इसका उपयोग किया है, लेकिन इसका लेस का टुकड़े का उपयोग करते वक्त ये थोड़ा सा ऊपर से कम पड़ रहा है, तो मैंने वहाँ पर एक अपना छोटा सा शोपीस बटन लगा दिया। इसके बाद का जो तीसरा आइडिया है, इसमें मैंने एक बॉटल ली है और ये बॉटल पर मेरा जो आगे का आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि ड्रॉअर को कैसे डेकोरेट करें, उसमें मैंने जिस लेस का उपयोग किया था उस लेस का थोड़ा टुकड़ा मेरे पास बचा था, मैं उसी का उपयोग कर रही हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, और मैंने उसको ये छोटे से लेस के टुकड़े को यहाँ पर एडजस्ट किया है। और देखिए मैं इसमें से क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें से अपने जो चप्पू रहते हैं, नाइफ रहते हैं, उसका होल्डर बना रही हूँ क्योंकि हमें इसको रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक यूनिक और दिखने में बहुत सुंदर पीस तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और हमने इसे बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार कर लिया है। चौथे आइडे में ये मेरे पास एक बास्केट थी, छोटी सी टोकरी जो बहुत सुंदर लगती है, और ये लेस का इतना ही टुकड़ा था तो मैंने क्या किया है इसको इधर लगा रही हूँ, इसके ऊपर साइड से चारों बाजू से इसको लगा के इसको सील कर दूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे यहाँ पर प्लांट होल्डर करना है और इसे मेरे को प्लांट होल्डर की तरह यूज़ करना है, तो आप इसको प्लांट होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसको बहुत ही सुंदर इससे हम डेकोरेट करके इस टोकरी का भी हमने उपयोग कर लिया है। अब ये टोकरी बहुत ही सुंदर लगती है, और इसके साथ जब हम इस तरह से लगाया तो बिल्कुल यूनिक लगेगा। आपने बहुत सारे इस पर जो है कुछ भी लगा के आप इसका यूज़ कर सकते हैं, देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, तो मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर लिया है। अब इसके बाद वाले आइडिया में मेरे पास ये एक बहुत ही पुरानी है और इस तरह की ट्रे थी, और ये ट्रे जो है उसको मैंने किस तरह से डेकोरेट किया, मैंने इसको पूरा डेकोरेट भी नहीं किया है और इसके ऊपर कलर भी नहीं लगाया, लेकिन मेरे पास इस तरह की एक लेस का टुकड़ा था तो बस मैं इसे इधर ही लगा रही हूँ इस लेस के टुकड़े को, इससे इसको देखिए कितना अच्छा डेकोरेट हो गई है हमारी ये ट्रे, और बिल्कुल ही इसके साथ ये कलर भी शटल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इस तरह से मैंने लेस को से इस ट्रे को तैयार कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो इस लेस को और भी ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसमें एक छोटा सा फूल या कुछ बीच में पेज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगाइए। अब देखिए हमने क्या क्या तैयार किया और कितना सुंदर सुंदर तैयार किया है। सबसे पहले हमने टी होल्डर तैयार किया, और उसके बाजू में जो मैंने तैयार किया है उसमें मैंने जो है वो कुछ डेकोरेटेड पीस रखे हैं,
यहाँ पर मैंने अपनी दवाई, मोबाइल बॉक्स और कुछ पेन होल्डर के लिए यूज़ किया है। टाइप होल्डर आपने देखा ही है और नीचे ये ट्रे है, और इस साइड आप देख सकते हैं कि हमने जो प्लांट होल्डर बनाया था वो भी मैंने यहाँ पर रख के आपको बताया है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत सारे काम की चीज़ें बना ली है। ये छोटे छोटे बॉक्स तो बहुत ही काम के हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, हमने कैसे एक छोटे छोटे लेस के टुकड़ों से कितनी काम की चीजें बना ली। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया ही होगा आपको, तो जल्दी से दबा दीजिए बेल आइकॉन को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए इनोवेटिव आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।